अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आज कोई ढंग का कैंडिडेट है कि नहीं? सारा काम कौन करेगा? तुम? क्या हम अंदर आ सकते हैं? क्या कम इन? क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम माही है। माही, तुम्हें पता है ना, हम अपने हेरिटेज होटल के लिए एक हॉस्पिटैलिटी स्टाफ ढूंढ रहे हैं जिसे पैसे की कम और गेस्ट की परवाह ज्यादा हो। हाँ जी मैम, हमने इसके बारे में अखबार में सब पढ़ लिया था। तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हें इस इंटरव्यू की परवाह नहीं? मैम परवाह है, तभी तो आपको बता रहे हैं। आपके होटल में आए हुए लोगों को कुछ टाइम के बाद उन्हें घर की याद तो आती होगी ना। तुम कहना क्या चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं कि आप इस स्टाफ और कस्टमर के रिश्ते की बजाय आप एक परिवार के रिश्ते की तरह देखेंगी ना, तो आपके कारोबार को ज्यादा फायदा होगा। आप ये क्या बोल रही हैं? बोलने दो से। जब आप घर के सदस्यों की तरह कस्टमर की देखभाल करेंगी, तभी तो वो आपके होटल से घर जैसा अनुभव लेके जाएंगे। ये बातें कहने और सुनने में अच्छी लगती है माही, पर काम में कम आती है। संभल के। या थैंक यू सो मच। मैम ऐसा करने से हम दूसरे होटल से अलग हो सकते हैं। वो कैसे? इंसानी फितरत है मैम, हम घर के सदस्यों की देखभाल तो कर सकते हैं, लेकिन एक अजनबी से बात करने में कतराते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ऐसा करने से उनके जीवन में कितना गहरा प्रभाव छोड़ेगा। वाओ, इंप्रेसिव। वेल, आई थिंक तुम बाहर जाके ये बोल दो कि हमें अपना राइट कैंडिडेट मिल गया, इंटरव्यू खत्म हो गया। एक मिनट मैम, हम ये नौकरी नहीं कर सकते। ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया? कहीं सेलेक्ट होने के बाद तुमने अपनी डिमांड्स तो नहीं बदल लिए? नहीं नहीं मैम, वो क्या है ना कि बाहर एक युग नाम का लड़का है जो इस नौकरी का इंतजार कर रहा है और हमसे ज्यादा उससे जरूरत है। पर हमने इस इंटरव्यू के लिए तुम्हें सिलेक्ट किया है माही। हमारा यकीन कीजिए मैम, वो भी हमारी तरह ना, बिल्कुल सीधा सच्चा और मेहनती इंसान है, और वो अपना पूरा काम ना ईमानदारी के साथ करेगा। ये तुम्हारा कोई खास है? नहीं नहीं मैम, हम तो उसे ठीक से जानते भी नहीं है, लेकिन हाँ हम जरूरत का मोल समझते हैं, और अभी इस वक्त उसे पैसों की और इस नौकरी की बहुत जरूरत है। बी प्रैक्टिकल माही, तुम्हें इस नौकरी की जरूरत नहीं? पता है मैम, हमारी नानी कहती है कि जब आप अपनों की मदद करते हैं ना, तो उससे सिर्फ आपको खुशी मिलती है, लेकिन जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो उससे सीधा भगवान को खुशी मिलती है। और वैसे भी ये तो किसी एक के नसीब में होगा ना, तो आप उनका इंटरव्यू लेकर सीधा अपने भगवान को खुश कर दीजिए। ऑलराइट माही, थैंक यू मैम। थैंक यू। माही कैसा हुआ? ठीक ठाक। मिस्टर यू, नाउ योर टर्न। जी मैम। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। मुझे तुमसे बात करनी है। अभी मैं काम कर रही हूँ, बाद में बात करते हैं। अरे काम कर रही हो तो बात नहीं कर सकती हो? बाद में बात कर लेंगे ना प्लीज। शगुन बैठो यहाँ, तुम जानती हो ना अगर तुम मुझसे ऐसे नजरें चुराती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता।
अच्छा बाबा, I'm sorry. मैं दोबारा ऐसे कभी बात नहीं करूंगा. शुभ सर, मैं जानती हूं कोई तो ऐसी बात है जो आपको बहुत परेशान कर रही है. नहीं, कोई बात नहीं. मैं आपकी पत्नी हूं, आपकी प्रॉब्लम्स मेरी प्रॉब्लम है, और फिर भी आप मुझसे छुपा रहे हैं. देखिए, आप चाहे मुझसे लाख छुपा लें, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप इस वक्त मुझसे झूठ बोल रहे हैं. चुप से बात करने से बात बनती है. आप बताइए ना मुझे, क्या बात है? शगुन, कॉलेज पढ़ता था तो. बुआ, शगुन तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही थी. वो रात के खाने की तैयारी करनी है ना बेटा? हाँ बुआ, बस वो कपड़े तय लगा रही थी. और वो माही, वो कहाँ है? दोपहर से गई हुई, अब तक वापस नहीं लौटी. अरे वो जॉब ढूंढने के लिए निकली है ना, और आपको पता है इस वक्त कितना ट्रैफिक होता है, फंस गई होगी बेचारी कहीं. वो सब मुझे नहीं पता. आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कर लूंगी. अरे अभी चलो, अम्मा जी ने कहा है कि मेहमान के घर में आने से पहले सारा काम हो जाना चाहिए. ठीक है, चलिए मैं आती हूँ. काजल के साथ जो भी था वो खत्म हो गया है, फिर भी ना जाने क्यों मैं उस अतीत को अपने आज पर हावी होने दे रहा था. मुझे अब इस मसले को यहीं खत्म करना होगा. बेवजह मैं शगुन को बता के सोचने पे मजबूर कर देता. शगुन बहुत अच्छा खाना बनाने लगी हो तुम. बस बेटा और नहीं, रात को हम ज्यादा नहीं खाते. आ जाओ मैं. आ जा बिटिया. कहाँ गई थी तुम माही? दोपहर की गई हो, अब लौट रही हो तुम. देखो हमारे घर में ना ये सब नहीं चलता. हमारे घर की लड़कियां वक्त से जाती है और वक्त पे घर लौटती है. बुआ जी, हम जानते हैं हमसे देर हो गई है, माफ कर दीजिएगा. वो कहना कि हमारी बस छूट गई थी, तो फिर मुझे वहां से यहाँ तक पैदल आना पड़ा. मैं जो बोल रही हूँ उस बात को समझो, बहाने मत बनाओ बेटा. वो नव्या कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही. नव्या? वो अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, इसलिए वो दोस्त है ना उसके यहाँ रात को रुक गई. तो उसने हमें बताया नहीं? अम्मा जी मैं नहीं कहा था. ये घर एक है और यहाँ के नियम कायदे कानून भी एक है, सबके लिए बराबर है. बेटा नव्या और माही में तो फर्क है ना, तुम दोनों को एक ही तराजू में कैसे. मैं दोनों की तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह नव्या इस घर की बेटी है, उस तरह माही भी इस घर की बेटी है. जो नियम कायदे कानून के लिए हैं वो इसके लिए. हुआ, कायदे कानून की बात आपने की है, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ. कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए. बेटा समझना तुम्हें होगा, इन दोनों में बहुत फर्क है. और नव्या जिनके घर गई है उनको तुम भी पहचानती हो. माही, माही, माही रुको. रहने दीजिए, मैं देखती हूँ. कनिका, उसे खाना तो खा लेने देती.